सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आज गिरिडीह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यह समारोह इस न्याय मंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा के सम्मान के लिए अधिवक्ता संघ की ओर से आयोजित की गई थी। समारोह में संघ की ओर से उन्हें शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर चुन्नू कांत ने एक तरफ जहां उनका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के पीरियड में अधिवक्ताओं की हो रही परेशानियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। कहा कि अब फिजिकल कोर्ट चालू करने का समय आ गया है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में तकनीकी रूप से कोई परेशानी हो रही है। इसी तरह नकल में विलंब होने से लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा ने कहा कि उनकी हर कोशिश होगी बार और बेंच के बीच अच्छे रिश्ते रहे, ताकि न्यायिक निष्पादन सुगमतापूर्वक हो सके। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। न्यायिक पदाधिकारीगण, बार के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और हमारे गिरिडीह बार के विद्वान अधिवक्ता हैं। मैं मुंसिफ SDGM के रूप में यहाँ कार्यरत रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मेरा नोटिफिकेशन यहाँ के लिए हुआ, एक बार दोबारा आप लोगों के बीच एक बात मैं कहना चाहूँगी कि गिरिडीह बार जो है बहुत ही विद्वान है और इतना इंटेलिजेंट बार हमारे झारखंड में बहुत कमी है। वो तो याद करना चाहूँगी जो हमारे बीच अब नहीं है, जैसे कि स्वर्गीय श्री गणपत जी, स्वर्गीय गोविंद जी। ये उस समय जब मैं मुंसिफ थी तो यहाँ अपेयर होते थे मेरे कोर्ट में और मैंने केडिया जी को नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है वो। श्री केडिया जी, श्री SK मित्रा साहब, इनको देख के बहुत खुशी हुई कि ये इसी तरह स्वस्थ रहें और गिरिडीह बार की शोभा बढ़ाते रहें। ज़्यादा ही मेरे बारे में बोल दिया उन्होंने, ज़्यादा तारीफ कर दी। पता नहीं मैं उनकी कसौटी पर कहाँ तक खड़ी उतरूँगी, लेकिन मेरी अपनी तरफ से और मैं न्यायिक पदाधिकारी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहूँगी गिरिडीह बार एसोसिएशन को, यहाँ पर उपस्थित सभी को, कि बार और बेंच जिस तरह से एक चैरियट के एक रथ के पहिए की तरह कार्य करते हैं और करने में ही भलाई है, उसी प्रकार हम लोग कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम मूलतः जो हमारे नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया हैं उनके सम्मान के लिए हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है, जब कोई नए जज आते हैं जिला में तो बार एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उनको अधिवक्ता भवन में बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैडम जज जो आई हैं, कुछ समय तो ज़रूर बीत गया और COVID-19 की वजह से भी कुछ तकनीकी रूप से बाध्यताएँ थी, लेकिन हमने जब जिला जज महोदया से बात किया कि भाई हमारा एसोसिएशन ऐसा चाहता है, हम लोग ऐसा चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत हामी भरी और हमने तो समारोह में अपनी बात आ जाइए अब इधर, तो समारोह उन्हीं के सम्मान के लिए था और मैडम जज ने बहुत अच्छी बात कही और हम उनके बातों से आश्वस्त हैं कि इस न्यायमंडल का बार और बेंच के बीच बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहेगा। हम लोग भी यही चाहते हैं, हमारी जो कुछ परेशानी थी उस बारे में भी हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि वर्चुअल कोर्ट से अब लोग लिटिगेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट क्लर्क और न्यायमंडल में भी लोगों को असुविधा दिखने लगी और हम लोग चाहते हैं कि अब फिजिकल कोर्ट हो। कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जो सुरक्षा की व्यवस्था करने हो वो करें, लेकिन फिजिकल कोर्ट शुरू। फिजिकल कोर्ट नहीं होने से हम लोग बहुत सारे व्यवहारिक परेशानी झेल रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले और इस तरफ कुछ गति बढ़ाए, ताकि सारे लोगों को जिसको इस न्यायमंडल से वास्ता है उनको थोड़ी राहत मिल सके।